हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ऑफ इंटोमोलॉजी फर्स्ट, जो भी स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के या सेकेंड थर्ड फोर्थ जिस भी सेमेस्टर में आपका इंटोमोलॉजी आता है, तो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप जिस भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने जो ऑब्जेक्टिव पेपर वो सॉल्व करा दिया अपने इसी चैनल पर, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो राजा महेंद्र प्रताप के जो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के हैं, तो उनका जो फंडामेंटल ऑफ इंटोमोलॉजी फर्स्ट का पेपर होता है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आपका एग्ज़ाम कल होने वाला है, तो आप लोग देखिएगा। इन क्वेश्चंस से आपके एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोग अच्छे से इन्हें वॉच करिएगा, अच्छे से देखिएगा, 2 से 3 बार तभी रिवाइज करिएगा, तभी आप वहाँ पर सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका, टिड्डे के कितने श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो टिड्डे में 10 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं भाई? 10 जोड़ी पाए जाते हैं। अनिषेक जनन किस कीट में समान रूप से पाया जाता है? तो ये माहू में होता है। अगला है आपका, कीट का शरीर कितने खंडों में पाया जाता है? तो कीट का जो शरीर है वो 20 खंडों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन से आपका, कीट के पंख पाए जाते हैं? तो कीट के जो पंख पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? सिर के वक्ष में पाए जाते हैं कीट के पंख। अगला है आपका, कीट वाह कंकाल का प्रमुख घटक होता है? तो इसका जो वाह कंकाल किसका बना होता है? काइटिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काइटिन का हो जाएगा। अगला है आपका, सभी कीटों में कितने पैर होते हैं? तो कीटों में कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। अगला है आपका, कीट के शरीर का मध्य भाग है? तो कीट के शरीर का जो मध्य भाग है आपका क्या, उसे कहते हैं वक्ष। अगला क्वेश्चन से आपका, भोजन की कमी के कारण कीटों में होने वाले कष्ट को कहा जाता है? तो कीटों के कष्ट को क्या कहा जाता है आपको? केनाबिलिज़म कहा जाता है इसको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है आप, कीट का अध्ययन कहलाता है? तो कीट विज्ञान कहलाता है। जिस भी विज्ञान में कीटों का अध्ययन कहा जाता है उसे आप कीट विज्ञान या इंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस भी आपको पढ़ के जाना है। फादर ऑफ इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी के जो फादर हैं, जनक है कौन है, सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। कौन से कीट के क्या भाग होते हैं, कितने खंडों में डिवाइड किया जाता है, चूसने वाले कीट कौन से होते हैं, कौन से चबाने वाले दांत किस तरह के कीटों में पाए जाते हैं। तो ये जो जर्नली क्वेश्चन है इंटोमोलॉजी के, ये आपको पढ़ के जाना है कि चबाने वाले कीट क्या होते हैं, इनका मुखांग कैसा होता है, इनका पाचन तंत्र कितने भागों में डिवाइड होता है। ये सारे क्वेश्चन आप स्टडी करके पढ़ के ही जाएँ एग्जाम के लिए, है ना। जो भी जर्नली क्वेश्चन है, ज़्यादा पेपर वैसा नहीं आता है, जर्नली क्वेश्चन तो आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या वीडियो है वह अगर हम वीडियो डालें तो उसका जो लिंक वो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो जैसा ही हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ना, तो इसलिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दीमक की कॉलोनी को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोलेंगे भाई? टर्मिटोरियम। ठीक है, अगला है आपका, जो कीट संगठित होकर कॉलोनियों में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो कीट संगठित होकर कॉलोनियों में रहते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? सामाजिक कीट कहेंगे। क्या बोलेंगे भाई? सामाजिक कीट। अगला है आपका, सामने के पंख एक समान होते हैं, मतलब किस में जो सामने के पंख होते हैं एक जैसे होते हैं? तो आइसोप्टेरा होता है। ठीक है, अगला आपका, कीट कायकी के जनक कौन है? तो कौन है भाई? बीबी विल्गसवर्थ। ठीक है, अगला है आपका, कीट के खून को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है कि कीट के खून को क्या कहते हैं। क्वेश्चन आप सुन लीजिए क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, एग्ज़ाम में आपके आ भी सकता है। कीट के खून को क्या कहते हैं? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको 2 से 3 बार रिवाइज करें फिर एग्ज़ाम में जाएं। ठीक है,
अगले आपका, किस कीट में काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं? तो दीमक में पाए जाते हैं। आपको बहुत सारा कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, चार उसमें दीमक भी होगा। अगला है आपका, स्टाइपस किसका भाग है? तो मैक्सिला का भाग है। अगला है आपका, घरेलू मक्खी में चिपकने वाला पैर है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पश्चपात। अगला है आपका, शिकार पकड़ने वाली टांगे किसमें पाई जाती हैं? यानी जो शिकार को पकड़ के आपने कीट देखा होगा अपने टांगों से शिकार को पकड़ लेते हैं, तो किसमें पाया जाता है? मेंटिस, ठीक है। अगला देखेंगे आप, टेगमिना पंख पाया जाता है, तो ये जो टेगमिना पंख है ये पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? आपका टिड्डा में पाया जाता है। किसमें? टिड्डा में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरसाई किसका अंग है? तो ये उदार का है। अगला, कीट की आहार नाल कितने भागों में विभाजित होती है? जो कीट है उनकी आहार नाल तीन भागों में, कितने भागों में? तीन पार्ट में, भागों में डिवाइड होता है। अगला है आपका, मादा कीटों में कितने अंडाशय पाए जाते हैं? जो मादा कीट होते हैं उसमें अंडाशय कितने होते हैं? तो दो अंडाशय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कीट समानता होते हैं, तो कीट समानता एक लिंगी व द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? समानता एक लिंगी या दो लिंगी होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको कई बार रिवाइज करके जाएँ तभी आप सही करके वहाँ सही कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई और भी अच्छी बुक है वहाँ से भी आपको पढ़ के जाना है, जो भी आप गूगल वगैरह से या कहीं से भी जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, बुक हैं या जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, तो और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जो भी आपने अभी तक आपके पास बुक हो या जो भी मॉडल पेपर वगैरह जो भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ से भी पढ़ें, आप ये वीडियो भी देखें, आप दो से तीन बार इसको रिवाइज करें तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है आपका, दीमक किस गण में आता है? तो आइसोप्थेरा में आता है। पराग टोकरी पाई जाती है, तो पराग टोकरी किस में पाई जाती है? आपका मधुमक्खी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई? मधुमक्खी। पराग एकत्रित करने वाले टांगे पाई जाती हैं, तो किस में? मधुमक्खी में, ठीक है। पराग टोकरी भी किस में पाई जाती है? मधुमक्खी में। पराग एकत्रित करने वाले टांगे ये भी मधुमक्खी में पाया जाता है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है पराग टोकरी और इसमें पराग एकत्रित करने वाली टांगे। अगला क्वेश्चन से आपका, सफ़ेद गिटार किस गिटार के अंतर्गत है? तो ओलियोफ्थेरा के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है भाई? ओलियोफ्थेरा। अगला है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता होगा न्यू दिल्ली में। ICAR कहाँ स्थित है? ये भी न्यू दिल्ली में। कीट विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ डेवलप हुई ये आपको पढ़ना है, कि कीट विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे कीट विज्ञान से रिलेटेड, ठीक है। इसके फादर इंडिया में कौन है, बाहर कौन है, सब आपको जनरली क्वेश्चन आपको स्टडी करके ही जाना है, ये भी आपको इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगला, कीट में भोजन का संग्रह होता है तो क्रॉप में होता है। कहाँ पे होता है? क्रॉप में। अगला, आर्थ्रोपोडस का मुख्य लक्षण होता है तो खंडीय टांग। अगला है आपका, कीटों में परिवहन तंत्र किस प्रकार का होता है? तो ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप। अगला है आपका, सामने के पंख एक प्रकार के होते हैं, यानी सामने के जो पंख होते हैं एक समान होते हैं, किस में होते हैं? आइसोप्टेरा में। जो सामने के जो पंख होते हैं एक जैसे होते हैं, तो किस में होंगे भाई? आइसोप्टेरा में एक जैसे क्या होते हैं? पंख होते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज करिए दो से तीन बार, तो आप फिर आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, आप लोग पढ़िए, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।